इस कलाम पाक के सब के जो इसमें मैंने सही पढ़ा, या अल्लाह पाक ये एक कारोबारी मरकज़ जो आले कादर बख्श बाबा जी हफीज और जनाब भाई इसहाक साहब, रियाज साहब, सजाद साहब, भाई नायक साहब, लियाकत साहब जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, उन्होंने जो एक काम शुरू किया है, या इलाही तमाम हालात इसमें खैर और बरकत के लिए दुआ करते हैं। आमीन। या वाला बात इसकी बुनियाद उन्होंने रखी है जैसे दस्ता फरमा रहे थे जिक्र रसूल से, तो ये एक बहुत आला पाए की चीज़ है। मैं आप उसके सोच ले आई यहाँ पे मेरे बाप दादा नकद दादा तकरीबन 300 साल से हमारा तल्लक वादी बना से जुड़ा हुआ है। अपने बुज़ुर्गों की नस्बत या अल्लाह पाक इसको कायम रख, उन तमाम बुज़ुर्गों की तफ़ैल मौला पाक इसमें खैर और बरकत अता फरमा। आमीन। या मौला पाक जो हाज़रीन आए हैं इंतज़ामिया से, खुर्रम शहज़ाद साहब और दूसरे साथी जनाब प्रोफेसर अब्दुल्ला साहब और जितने मौज़ूज़ीन जो मेरे मिलने वाले जानने वाले, खुसूसन मेरे लिए खुशी की बायस है कि मिर्ज़ा तारिक साहब जो मेरे अमाल हैं, क्लास फेलो भी हैं, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त से लेकर बड़ी मुलाकात हुई है उनसे। या अल्लाह पाक इसका भी जवाब इस ख़ानदान को अता फरमा, इन तमाम भाइयों को काफ़ी सारे लोग जो हैं उनसे मुलाकात हो गई है। या अल्लाह पाक इसमें खैर और बरकत अता फरमा। अल्लामा उज़ुब कमिन अलहासदीन, अल्लामा उज़ुब कमिन अलहासदीन, अल्लामा उज़ुब कमिन अलहासदीन। अल्लाह रहमान रहीम, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब मिन शर्रि नफ्फाथाति फिल उक़द मिन शर्रि हासिदिन इज़ा वक़ब। بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس يا مولا كريم اس کلام کے صدقے اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر و برکت کے صدقے یا مولا پاک سب کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک جو بھائی اس خوشی میں شریک ہوئے ہیں یا اللہ پاک ان کی خوشیوں کو دوبالا کر، یا اللہ پاک इस घर के अंदर जिन्होंने ये काम शुरू किया है या अल्लाह इसे नेकी और तकवे पे इसकी बुनियाद, या अल्लाह पाक हम सबको एक डरने वाला खुशियत वाला दिल अता फरमा दे, या अल्लाह जिक्र वाली ज़ुबान अता फरमा दे। या मौला करीम जो कुछ करें
आपके बताए हुए रास्ते और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक हो। या अल्लाह पाक इससे रोज़गार पैदा हो, लोगों के घरों में रोज़गार जाए, कम अज़ कम 10-20 बंदों का रोज़गार होगा, ये बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने किया। अल्लाह ताला इनको अजर दे और इनकी सोच को मज़ीद जो अपने इलाके के लिए बेहतरी के लिए है। या अल्लाह पाक जो मेहमान ग्रामी तशरीफ़ लाए हैं, मैं ज़ाती तौर पर बस ये थे मेज़बान, मेहमान नहीं। जनाब इंतज़ामिया से जो आए हैं, इलाका से आए हैं, पूरी वादी बना से जो आए हुए हैं, सबका मशकूर भी हूँ और उनके लिए दरख्वास्त करता हूँ कि उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि दुआओं में शरीक हुआ। या मौला करीम, ये एक खुशी का मौका है, इस खुशी के मौके को दुबाला कर दे। या अल्लाह पाक इस घर को, इस इलाके को, पूरी वादी बना को अपनी हफाजत में और आफियत में। या मौला पाक दिल दुखता है कश्मीर के हालात देख के, या अल्लाह करीम आपने अज़वस्व करीम करम फरमा कि तू आलम है गैबी ला रैबी, हम सब है भी बेचू मुचरा। या अल्लाह पाक ऐब वाले बंदे हैं, या मौला करीम कुछ हमारे अपने गुनाहों की सजा है, या अल्लाह पाक हम मगलूब हैं, हमारी मदद फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा मगलूब फन तो सब, या अल्लाह पाक हम मगलूब हैं, हमारी मदद फरमा। या अल्लाह पाक गैब से हमारी मदद फरमा। या अल्लाह पाक बीमारियों से महफूज रख। या अल्लाह पाक ये बीमारी जो अजाब की शक्ल में आई है, या अल्लाह पाक तू जाने तेरा काम जाने, या अल्लाह पाक खल के खुदा को इससे महफूज रख। या अल्लाह पाक इसे जल्दी नजात अता फरमा दे। या अल्लाह पाक इसमें क्या क्या पीछे कोई सियासतकार फरमा है, कोई कुछ क्या है, कोई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी है, बहरहाल ये एक हकीकत है, लोग इससे मर रहे हैं। या अल्लाह पाक जो चले गए उनकी मगफरत जो पीछे हैं उनको सब्र अता फरमा दे। या अल्लाह पाक जो मौजूद हैं उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रख। या मौला पाक मुल्क अजीज़ जो है कश्मीर, और मैं पाकिस्तान से आया हूँ, पाकिस्तान भी, या अल्लाह पाक इन सब की सलामती हो, खैर हो। या अल्लाह हमें अच्छे हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह पाक इस खसूसन जो फतेहपुर दिहाड़ी है, इसमें जितनी फैमिली मौजूद है सारी ला तादाद कर रहे हैं, सब के नाम भी मुझे अब याद होने शुरू हो गए हैं। या अल्लाह पाक अपना करम और फजल करना। अडबास साहब हैं, भाई अयूब साहब हैं, सारे लोग हैं। या अल्लाह पाक इन सब घरों पर अपना करम और फजल अता फरमा दे। या अल्लाह पाक इस पर खैर और बरकत अता फरमा दे। बार बार दुआ करने का मतलब ये है कि थोड़ा वक्त लग जाए, बेशक दुआ का कोई लफ्ज़ जो है अल्लाह की बारगाह में आप लोगों के सदके मेरी ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ कबूल। आमीन। या अल्लाह पाक मेरी दुआ में कुछ नहीं है, ये आज सारे उठे हुए हैं। या अल्लाह पाक इनकी लाज रखते हुए दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा। रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल क़िबर। ला यस्तवी असहाबुल नार व असहाबुल जन्ना असहाबुल जन्ना हुमुल फायज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरान अला जबलिन रा'ईतु ख़ाशिउ मुतसद्दिम मिन ख़शयतिल्लाहि तिल्कल अम्थालु नद्रिबुहा للناس اللهم يتفكرون قول الذي لا اله الا هو مالك الكون عالم الغيب والشهاده وهو الرحمن الرحيم قول الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده وهو الرحمن الرحيم قول الذي لا اله الا هو مالك الكون السلام المؤمن الحكيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الذي خالق الباري المصور والاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم। या अल्लाह पाक इन ताकतवर आयात के सदके हमारी दुआ कबूल और मंजूर। या मौला पाक जो हमारे नेक जायज़ ख्वाहिशात हैं, या अल्लाह पाक पूरी कर दें। या अल्लाह पाक हमें आजजी और इंकसारी अता फरमा दें। या अल्लाह पाक तेरा फजल जो जो ज़्यादा हो इसमें से आजजी और इंकसारी आए। या अल्लाह पाक अब मस्जिद में दुआ के लिए जो मैं नमाज है और नमाज की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह पाक जो बच्चे हैं, जो नई नस्ल है, या अल्लाह पाक उनको भी आजजी और हिलम अता फरमा दे। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक मैं खुद एक उस्ताद हूँ, सारी उम्र 35 साल पढ़ाने के बाद रिटायर भी हो गए। या अल्लाह पाक इस इलाके में इलम और फजल और बच्चों की पढ़ाई जो उनके लिए रोज़गार का बाइस बने उसमें भी बरकत डाल दे। जिन जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, या अल्लाह पाक उनके लिए आसान फहम कर दे, फहम को आसान। आमीन।
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد الوسيلة من الله في كل السماوات والأرض يا الله پاک اس کے وسیلے خلق خدا پر اپنا رحم فرما یا اللہ پاک جو دعا کا کوئی لفظ میں بھول گیا ہوں یا اللہ پاک اس کو بھی ادا سمجھنا یا اللہ پاک آپ عالم الغیب والشہادہ ہیں یا اللہ پاک ہمیں پاک رزق عطا کرنا اس میں برکت عطا فرما دینا یا اللہ پاک جو رستہ تیرے نبی کا بتایا وہ اس پر قائم قائم رکھنا یا اللہ پاک درود کثرت ہے عبداللہ صاحب حضرت عبداللہ صاحب فرما رہے تھے حضرت صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ذکر حضور جو محفل ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو درد دل اور عشق عطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے حضرت علامہ اقبال بھی کہہ گئے ہیں کہ با محمد برساں کے دین ہماؤس کوشش کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچیں ہمارے لیے وہ مکمل دین با محمد برساں کے دین ہماؤس گر بہو نہ رسیدی اگر ان کی ذات تک نہیں پہنچے تمام ابو لہب ابو لہب کی اولاد ہے سب یا اللہ پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عشق عطا فرما اللہم ثبت قلبی علی دینک اللہم ثبت قلبی علی دینک یا اللہ پاک ہمارے دل کو ثابت رکھنا ہمارے جتنے معاملات دین دنیا کے اس میں رانمائی کرنا یا اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دینا یا اللہ پاک درود پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ عطا فرما دینا صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی و زینت عرش محمد و آل محمد و صحبه و بیت اجمعین برحمتک